अमेठी में लोकसभा चुनाव का संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों के समर्थक लगातार अमेठी में कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऐसे में अमेठी लोकसभा क्षेत्र की गौरीगंज विधानसभा अंतर्गत ग्राम सभा राजगढ़ में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर अमेठी के बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ चढ़ कर स्वागत किया गया। उसके बाद तुरंत उन्होंने वहां उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में वोट करने की अपील की। अमेठी से धर्मविजय सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। और 23 तारीख से फिर से हमारी सरकार बनने वाली है, अगर अब नहीं सुधरे तो 23 मई के बाद विश्व के मानचित्र में एक देश का नाम नहीं होगा और उसका नाम पाकिस्तान। मैं आप सब लोगों से ये जो भ्रष्टाचारी सत्ता है इसको उखाड़ फेंकने की अपील करने के लिए आया हूं। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, अमेठी में सांसद तो थे राहुल गांधी जी, इतनी बिजली आती थी क्या पहले जितनी अब आ रही है? आती थी क्या? जब राहुल गांधी जी थे तो हर घर तक बिजली पहुंच गई थी क्या? गांव तक तो पहुंचा दिए होंगे, लेकिन भेदभाव। और आज हम दावे से कह रहे हैं अमेठी के हर घर तक गरीब है, अगर वो बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकता है तो सौभाग्य योजना से उसके घर का अंधेरा भी दूर करने का काम मेरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। यह काम राहुल गांधी जी नहीं कर सकते, यह काम मैडम प्रियंका नहीं कर सकती, यह काम सोनिया जी भी नहीं कर सकती। यह गरीब के घर में पैदा होने वाला, पिछड़े वर्ग में पैदा होने वाला, भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ना अपनी गरीबी भूला और ना देश के गरीबों को भूला, ऐसा नरेंद्र मोदी ही ये काम कर सकता है। कभी सोचा था कि प्रयागराज के अंदर कुंभ का मेला होगा और देश का प्रधानमंत्री उस कुंभ मेले में सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों के चरण धोकर के दलित भाइयों को ऐसा सम्मान दिया जाएगा? ये बच्चे तेजी से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान के लिए आप अपने मताधिकार का जो प्रयोग करने वाले हैं उसके और आज के बीच में ज्यादा समय नहीं बचा, कुछ घंटे बचे, कुछ घंटों के बाद आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और भारतवर्ष को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहां से आप स्मृति ईरानी जी को रिकॉर्ड होल्डर से विजयी बनाकर के भेजने का काम। मैं ये कहने के लिए आया हूं 2014 में बहुत थोड़े समय, बहुत कम समय का मिला था स्मृति जी को, लेकिन आपने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी थी, थोड़े अंतर से हमारा चुनाव फंस गया। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि जो 2014 में थोड़ा सा अंतर रह गया था उसको पाटना ही नहीं है, कांग्रेसियों को ऐसा सबक सिखाना है, भारत के ईमानदार प्रधानमंत्री गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, अकड़ों के, सर्व समाज का सम्मान करने वाला, भारत मां को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाने का प्रयास करने वाला, उसको यहां के सांसद कहते हैं चौकीदार चोर। जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा होता है तो वहां कहते हैं आवेश में मुझसे यह निकल गया था, मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं कहा, लेकिन आवेश। और आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश की 73 से अधिक लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के हमारे साथियों की जीत हो रही है। कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े अंतर से केंद्र में फिर से सरकार बनेगी और अमेठी में कमल खिलाना या यहाँ की जनता ने तय किया। जो चुनाव राहुल गांधी जी के प्रत्याशी बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी का संगठन लड़ रहा था, उस चुनाव को
अमेठी लोकसभा की और प्रदेश की जनता, देश की जनता लड़ना शुरू करेगी। इसे मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री दूसरी बार बनने से कल सिद्धू ने कहा कि इस धरती पर मोदी से बड़ा झूठा कोई पैदा नहीं हुआ। उसका जवाब कांग्रेसी बहुत गाली दे चुके हैं। एक गरीब माँ बाप के बेटे को, देश के सबसे प्रधान सेवक को, और उस गाली का जवाब देश की जनता लगातार दे रही है। और ईवीएम मशीन को जिस दिन से गाली देना शुरू किया गया है, मैं समझता हूँ उस दिन से इनको पराजय का संकेत मिल गया है और कमल खिलने जा रहा है। इसलिए इस प्रकार की जो भाषा बोल रहे हैं उसका जवाब जनता